जयराम रमेश कह रहे हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, आप जवाब सबका दीजिएगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रेड इस वक्त भी चल रही है और अब जो इवनिंग शिफ्ट के कर्मचारी वहां पर बीबीसी दफ्तर में पहुंचे हैं, बीबीसी ऑफिस में कर्मचारियों की एंट्री की इजाजत दी गई है जो अपनी इवनिंग शिफ्ट के लिए आते हैं और वो अपना काम कर सकते हैं, इस तरह की इजाजत उनको आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई है जो इस वक्त भी छानबीन कर रही है। जहां जांच करनी चाहिए अडानी मामले में वहां आप पीछे हट रहे हैं और यहां पर जो आपके खिलाफ बोले वो देशद्रोही, उसके खिलाफ तमाम एजेंसियां। जवाब आपका सुधांशु। देखिए मैंने जो भी तथ्य रखे थे रोहन जी ने उसमें किसी भी तथ्य का तथ्यात्मक उत्तर यानी फैक्चुअल काउंटर नहीं किया, कोई बात नहीं, आरोप लगाया मैं उसका भी जवाब देता हूं। देखिए अभी तक ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन के बारे में बोलते बोलते ऐसा लगा कि सिन्हुआ के भी प्रवक्ता बन गए। सिन्हुआ जानते क्या है? चाइनीज न्यूज एजेंसी। चाइना क्या कह रहा है साहब उस पर जवाब नहीं दे रहे, मतलब अभी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन की पक्ष आड़ तो वो सिन्हुआ तक की आड़ लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। परंतु आपके सामने समस्या क्या है कि विदेश से जो आपने कहा कि बिल्कुल आवाज कुचलने की बात, तो जहां से विवाद शुरू हुआ हिंडनबर्ग के ऊपर अमेरिका में किसी भी कंपनी के बारे में रिपोर्ट छापने पे रोक लगा दी गई है। आप में से कितनों ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कुचल दी गई है? यदि नहीं कहा तो आपने माना कि वो रोक सही है। अगर रोक सही है तो एक आरोपी और दागी से दिखते हुए, मैं दागी नहीं कर रहा, दागी से दिखते हुए मीडिया संस्थान की रिपोर्ट के ऊपर आप सबको दागदार बनाने लगे तो ये तो खुद ही आपका चरित्र दिख रहा है कि जिस जिस विदेशी संस्थान के ऊपर बाहर से रोक लग जाए, चले कोई बात नहीं। आपको पता है यहां तो सिर्फ इनकम टैक्स का एक नोटिस आया है और वो भी नॉर्मल परिस्थितियों में केवल पूछताछ के लिए। कांग्रेस के जमाने में 1975 14 अगस्त को कांग्रेस के एमपीज ने प्रस्ताव पारित किया था कि बीबीसी को भारत से बाहर कर देना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी पार्टी का वक्तव्य आया था कि ये भारत विरोधी गतिविधियां करते हैं इसलिए इनको बाहर कर दिया जाना चाहिए। पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड, कोई बात नहीं। चलिए मैं तो इमरजेंसी की बात ही नहीं कर रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं। जिस जमाने में शायद लोगों को दर्शकों को याद नहीं होगा, भारत के इतिहास में एक ऐसा बिल है जो संसद से पास होने के बाद राष्ट्रपति ने उस पर कभी साइन ही नहीं किए और वो बिल समाप्त हो गया, जिसे कहते हैं ना राष्ट्रपति ने अपनी जेब में रख लिया, क्योंकि संविधान में यह अधिकार है कि यदि राष्ट्रपति वापस भेजेगा, दोबारा संसद भेजेगी तो राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा, पर कितने समय में वापस भेजेगा यह नहीं लिखा है। तो वो ज्ञानी जैल सिंह जी ने पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्ट के साथ किया था। वो एक्ट जानते क्या था? 1987 में राजीव गांधी जी की सरकार किसने लाई थी कि किसी भी भारतीय नागरिक की कोई भी चिट्ठी खोलकर पढ़ने का अधिकार सरकार को होगा। जैसे आज कोई ये कह दे आपके सारे ईमेल, आपके सारे एसएमएस, आपके सारे व्हाट्सएप, ये सब सरकार जब चाहे तब देख सकती है। वो आप करने वाले लोग, ये तो राजीव जी के समय में कह रहा हूं, और सवाल पूछ लिया था जिस अखबार ने, उसकी बिजली काट दी गई थी। और तो और मैं बताता हूं, यहां तक तो ठीक है जनाब, अखबारों के कार्यालय पे हिंसात्मक हमला और तोड़फोड़ न याद हो तो डेट के साथ बताता हूं, 13 सितंबर 1994 लखनऊ में जब सपा बसपा कांग्रेस आई, तीनों मौसेरे भाइयों की मिलीजुली सरकार थी, तो सरकार के खिलाफ रिपोर्ट छपने को लेकर दो बड़े अखबारों पे विधिवत हमला तोड़फोड़, वहां के लोगों के साथ मारपीट भी हुई थी। अरे साहब आप क्या बात करते हैं, एक लीगल टेक्निकल इशू के ऊपर पूछताछ करने को लेकर वो लोग सवाल उठाते हैं जिन्होंने बीबीसी का बुरिया बिस्तर पैक कराने से लेके अपने पार्टी में प्रस्ताव पारित कराने से लेके घुसकर तोड़फोड़ तक की, जिन्होंने एक एक आदमी का मीडिया में क्या लिखा ये नहीं, एक एक व्यक्ति की चिट्ठी पढ़ने का अधिकार मांगा था। ठीक है, इसलिए हम कहना चाहते हैं आप कितना भी कह दीजिए, आपका अतीत आपको याद दिला रहे हैं वो रोहन जी, और आज ठीक है, ठीक है, ठीक है रोहन जी, वो आपका अतीत आपको याद दिला रहे हैं और बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने क्या क्या किया है और इसी बीबीसी के खिलाफ क्या क्या किया था। देखिए सुधांशु जी की विडंबना है, क्योंकि अच्छे इतिहासकार है, जब लगता है कि वर्तमान के कोई जवाब नहीं हो तो उनके आप कोई भी डिबेट देख लीजिए, तीसरे सेंटेंस के बाद वो 80 में पहुंच जाएंगे। सत्य क्यों मजबूरी है, आज बोलेंगे क्या? आज का जो उनका जो डिफेंस है वो पूरा वीक है, जवाब उनके पास है नहीं, क्योंकि ये संयोग नहीं है, भाजपा का प्रयोग है। बात सिर्फ बीबीसी की नहीं है, मैं आपको एक जो भी इन्होंने केस किए हैं, वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो, पीएमएलए की बात हो, क्या एक भी भाजपा के खिलाफ केस हुआ है बता दे सुधांशु जी?
इतिहास में क्यों 40 साल पहले जा रहे हैं? मैं तो अभी की बात कर रहा हूं, बताए ना, आपकी तो मेमोरी बहुत अच्छी है, वाजपेयी का नाम बता दे, क्या वाजपेयी सारे दूध के डूले हुए? यही तो हकीकत है ना, इनकी नीयत में खोट है। अब ये चीन की बात कर रहे थे, ये पहली बार हुआ है कि चीन जो हमारा दुश्मन है वो हमारे ही प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट यूज कर रहा है, कोई गुस्सा नहीं है, हम विरोध कर रहे तो हमारे ऊपर सवाल उठ रहे। आप कब तक हकीकत को छिपाएंगे? देश की जनता आपसे आज जवाब मांग रही है कि 9 साल के बाद आपकी जितनी भी विफलताएं हैं, आपके ऊपर जब कोई सवाल उठाता है आप उसको देशद्रोही के ऊपर एक्सेल कब तक करेंगे आप? आज हम जो भी मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम लोग आप नोटबंदी की, किसानों के मुद्दे की बात करें, हम GST की बात करें, हम चीन के मुद्दे की बात करें, हम कोविड मिसमैनेजमेंट की बात करें, जिन्होंने भी इनके खिलाफ अंजना जी आवाज उठाई है, देखिए क्या हुआ है। और ये लोग मैसेज देते हैं, किसी रिपोर्टर के ऊपर एक्शन लिया, किसी पत्रकार के ऊपर लिया, किसी MLA के ऊपर लिया, किसी नेता के ऊपर लिया, जिससे एक मैसेज पूरे देश में, जो डर का माहौल है, ये डर का माहौल हट जाएगा अंजना जी, आपकी डिबेट लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, हर आदमी के दिल में दर्द है, वो छोटा व्यापारी हो, किसान हो, बेरोजगार हो, महंगाई से परेशान हमारी महिलाएं हो, सबके दिल में दर्द है, पर कहीं ना कहीं ये डर जो है उनके दर्द के ऊपर उन्होंने हावी कर दिया है, ये एक जो 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 उनकी शासन की जो स्टाइल है इसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। और राहुल जी ने जो सवाल उठाए उनको भी नोटिस दे दिया। अरे हम तो JPC की मांग कर रहे हैं ना, आपको लगता है कि कुछ गलत नहीं हुआ है, पर आपको जो आज मार्केट में दिख रहा है वो तो गलत नहीं है, वो तो हकीकत है कि पैसे रोज धुल रहे हैं। आप JPC क्यों डर रहे हैं? आप ही चोर, आप ही पुलिस और आप ही जज, आप जो कह दे वो सही। अरे आप जजमेंट आपके हाथ में नहीं है ना, जजमेंट जनता डिसाइड करेगी, आप क्यों जज बन रहे हैं? जो भी आपके खिलाफ बोले, अरे अब तो आपको जजों से भी प्रॉब्लम होने लगी, आपके जो जज का रिकमेंडेशन है उसमें भी आपके मन, ये पहली बार हुआ अंजना जी देश के इतिहास में कि सुप्रीम कोर्ट से भी सरकार को प्रॉब्लम होने लगी। कब तक आप आवाज को कुचलोगे? और इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये घड़ा जो है भरने वाला और भर चुका है, आने वाले दिनों में आपको देश की जनता जवाब देगी। ये पहली बार हुआ होगा अंजना जी देश के इतिहास में, अब इनको सुप्रीम कोर्ट के जज के रिकमेंडेशन से भी प्रॉब्लम होना चालू हो गया। ये किस प्रकार की तानाशाही है? आप राजा हैं क्या? आपके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता? डर का माहौल बंद कीजिए, देश की जनता को ज्यादा मत दबाइए। ठीक है।